Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Analog Circuits. The subject code is KEC402 and here we are in lecture number 37. So in the last lecture we have covered our unit number 3, that is based on oscillators, jahan pe humne baat ki thi sinusoidal aur non-sinusoidal oscillators ke bare mein, chahe phir wo RC oscillators hain like RC phase shift ya Wien's bridge, aur wahin pe humne LC oscillator dekhe the, Hartley, Clapp and Colpitt, and one we have seen a non-sinusoidal, that is called a astable multivibrator, also called square wave generator. So this is very very important unit. अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत easy और बहुत important लगती है, तो बहुत ही ज़्यादा scoring है इस unit को, जरूर करके जाइएगा. अब अगर मैं इस lecture से बात करूँ तो हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं your next unit, that is unit number 4. So unit number 4 जो basically based है, that is on your BJT and MOS concept, वापस मैं इसमें use करने वाला हूँ. और यहाँ पे जो आप topic पढ़ेंगे, that is your current mirror and differential pair, differential amplifier. So सबसे पहले इस lecture में जो हम शुरू करने जा रहे हैं, that is the concept of करंट मिरर. करंट मिरर क्या है, क्या सर्किट होता है, बीजेटी करंट मिरर कैसे बनता है, और फिर उसका मॉडिफाइड वर्जन क्या है, क्यों मॉडिफाई किया गया बीजेटी करंट मिरर, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन बीजेटी करंट मिरर सर्किट. सो करंट मिरर, करंट मिरर को बोला जाता है बेसिक करंट सोर्स. बेसिकली क्या सर्किट का नाम करंट मिरर क्यों है, क्या काम है सर्किट का, तो एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर अगर हम बात करें, विच द आउटपुट करंट इज फोर्स टू इक्वल द इनपुट करंट. जी हाँ, कोई सर्किट है सपोज आपके पास जिसमें आपने कोई इनपुट करंट लगाया, तो जिसका आउटपुट करंट होगा, दैट आउटपुट करंट विल बी इक्वल टू दिस इनपुट करंट. तो क्या जनरेट हो रहा है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक रेप्लिका, एक मिरर इमेज जनरेट हो रही है इनपुट साइड करंट की ऑन आउटपुट साइड करंट. That's why this type of circuit is called a current mirror circuit. और इस current mirror circuit में एक बहुत important advantage होती है कि इस circuit का use करके हम अपने input side current को एक next level तक, यानी किसी भी location तक circuit के पहुंचा सकते हैं the same value of the current by making a current mirror circuit. So that's why we are using this current mirror circuit in case of our long circuit, जहाँ पे हमें एक particular current को, एक particular DC current आप बोल सकते हो कि DC current है आपके पास, उस particular value को मुझे circuit की different different location में same current को पहुँचाना है, तो वहाँ पे current mirror का सबसे ज़्यादा use है. राइट, सो करंट मिरर इन जनरल आपको याद रखना है कि करंट मिरर एक ऐसा सर्किट है जहां पे हमारा आउटपुट करंट जो है वो इनपुट करंट के इक्वल हो जाता है. राइट, अब ऐसा इस बॉक्स के अंदर क्या है कि आपका ये सर्किट इनपुट करंट को आउटपुट करंट के इक्वल बना देता है, तो इस सर्किट को हम यहां दो तरीके से पढ़ेंगे. वन इज कॉल्ड द बीजेटी बेस, वन इज कॉल्ड द मॉस बेस. राइट, एक में मॉसफेट का यूज करके बनाएंगे, एक में बीजेटी का यूज करके बनाएंगे. बट पहले जो मैं लेक्चर से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं बीजेटी की बात करूंगा. राइट, सो यहां पर जो सर्किट मैंने सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं, डैट इज कॉल्ड अ बेसिक करंट सोर्स या बीजेटी करंट मिरर. डैट इज बेस्ड ऑन करंट मिरर यूजिंग बीजेटी. राइट, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का यूज करके हम बना रहे हैं. तो आप सर्किट देख सकते हो, ये आपका इनपुट करंट है, दैट इज कॉल्ड I2, एंड दिस इज योर आउटपुट करंट जो कि हमारा एक तरह से IC3 है, द कलेक्टर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर Q3. और इसी चीज को हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ड्यू टू दिस करंट मिरर प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो आपका आउटपुट करंट है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द इनपुट करंट. ऐसा क्यों हुआ या ऐसा हमने कैसे अचीव किया, सिंपल सा कनेक्शन है सर्किट के अंदर कि यहां पे दो ट्रांजिस्टर हैं, वन इज कॉल्ड Q1 एंड वन इज कॉल्ड Q3, एंड दीज टू ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड वाया द सेम बेस. राइट, यानी इन दोनों के बेस को हमने सेम कर दिया है, और ये जो बेस है ये किसी एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल से ड्राइव हो रहा है. तो इन दैट कॉन्फ़िगरेशन, यानी इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं करंट मिरर. जब भी कोई दो ट्रांजिस्टर, आप इसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं लाइक दीज आर द टू ट्रांजिस्टर, दिस इज सेकंड ट्रांजिस्टर, और इन दोनों के बेस को हमने कॉमन कर दिया, एंड दीज आर ड्रिवन बाय अ कलेक्टर ऑफ वन ट्रांजिस्टर, देन दीज टू ट्रांजिस्टर आर कॉल्ड द फॉर्म द करंट मिरर सर्किट. तो जब भी आप कहीं ये सर्किट देखेंगे, तो व्हेन द टू ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड बाय द सेम बेस ड्रिवन बाय वन ऑफ द कलेक्टर टर्मिनल, देन दे फॉर्म अ करंट मिरर सर्किट. और इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल है वो क्या था, वो मैंने अभी बताया था कि जो आपका इनपुट करंट है, उस इनपुट करंट को यहाँ पे आउटपुट करंट पे पहुंचाने के लिए ये सर्किट यूज किया जाता है, बिकॉज दिस इज द इनपुट करंट जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं I2, दिस इज इक्वल टू योर IC3. राइट, अब कैसे पहुंचता है ये इसकी एनालिसिस बताती है कि ये रिलेशन क्यों आ रहा है, IC3 इक्वल टू I2 क्यों आ रहा है. तो ये तो हो गई बात केवल सर्किट की, तो सर्किट आपके सामने बन गया, करंट मिरर बन चुका है. अब ये इक्वल रिलेशन क्यों आ रहा है, उसके लिए यहां पे आपको इसकी मैथमेटिक्स समझनी है. मैथमेटिक्स में क्या है, बिकॉज ये दोनों ट्रांजिस्टर सेम बेस ड्रिवन है, तो हम बोलते हैं दीज टू ट्रांजिस्टर आर परफेक्टली आइडेंटिकल, यानी कि मैच, दोनों ट्रांजिस्टर मैच कंडीशन में. मैच कंडीशन का मतलब कि दोनों का बेस करंट एक दूसरे के इक्वल होगा, बिकॉज दीज टू ट्रांजिस्टर आर आइडेंटिकल,
तो दोनों का बेस करंट एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी आई बी थ्री और आई बी फोर इक्वल हो गए। सिमिलरली कलेक्टर करंट इक्वल होगा तो आई सी थ्री आई सी फोर इक्वल हो गए। सिमिलरली जो यहाँ पे वी बी ड्रॉप होता है ट्रांजिस्टर के अंदर, दैट इज बेस और एमिटर टर्मिनल के बीच में जो ड्रॉप होता है, दैट ड्रॉप इज ऑल्सो इक्वल, दैट मीन्स वी बी थ्री इज इक्वल टू वी बी फोर, राइट। सो जब भी आप अभी ये तो फर्स्ट सर्किटरी है, अभी हम बहुत सारे सर्किटरी देखने वाले हैं करंट मिरर के बेस पे, तो जहां पे भी मैं बात करूंगा कि दीज टू ट्रांजिस्टर आर मैश टुगेदर और दे फॉर्म अ करंट मिरर, तो दैट मींस उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, चाहे वो VBE है, चाहे वो IC है, या वो फिर IB है, राइट। नाउ अब मुझे ड्राइव करना है कि इनपुट करंट और आउटपुट करंट का रिलेशन, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, सिंपल इस नोड को मैंने माना नोड ए और इस नोड पे KCL अप्लाई करेंगे, और KCL क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, दैट मींस इनकमिंग करंट कौन है, I2, सो दिस इज I2 इज इक्वल टू I प्लस IC4, जी हाँ, आउटगोइंग करंट कौन कौन है, IC4 एंड I, तो IC4 प्लस I। अब अगर आप फर्दर आगे देखेंगे तो दिस I इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज IB3 एंड वन इज IB4, सो दैट मींस दिस I कैन बी रिटन एज IB3 प्लस IB4। अब मुझे पता है बिकॉज दीज टू बेस करंट आर इक्वल, तो मैं इन करंट्स को चेंज कर सकता हूं किस फॉर्म में, आई कैन राइट दैट I2 इज इक्वल टू IC4 इज इक्वल टू IC3 प्लस सिमिलरली IB4 किसके इक्वल है, IB3 के, तो यहां मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ IB3। तो अल्टीमेटली मैंने पूरी वैल्यू को IC3 यानी ट्रांजिस्टर Q3 के पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब अगर हम यहां पे देखें IB और IC में क्या रिलेशन होता है, तो वी नो दैट IC इज इक्वल टू बीटा IB, सो दैट मींस IB इज इक्वल टू क्या हुआ, IC अपॉन बीटा। तो अगर इसे रिप्लेस कर दिया जाए तो दिस टर्म कैन बी रिटन एज IC3 प्लस 2 बाय बीटा इनटू IC3, एंड इफ आई टेक IC3 कॉमन देन दिस बिकम 1 प्लस 2 बाय बीटा I2 इज इक्वल टू, राइट। सो बेसिकली दिस इज द रिलेशन बिटवीन I2 इनपुट करंट एंड द आउटपुट करंट, I2 इज इक्वल टू IC3 1 प्लस 2 बाय बीटा, और मुझे क्या कैलकुलेट करना था, मुझे IC3 कैलकुलेट करना था, तो IC3 क्या हो जाएगा, IC3 हो जाएगा I2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 बाय बीटा, एंड सिंस बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर, ये हमने पहले ही पढ़ा था BJT के अंदर कि बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो इन दैट केस वी कैन नेग्लेक्ट दिस 2 बाय बीटा टर्म विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये टर्म इक्विवेलेंट हो जाएगी, यानी IC3 और IC2 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। दिस इज द बेसिक मैथमेटिकल रिलेशन शोज बाय योर करंट मिरर सर्किट कि इनपुट करंट आउटपुट करंट के इक्वल कैसे होता है, राइट। सो ये मैथमेटिक्स आपको यहां पे रखनी पड़ेगी याद, बिकॉज यही मेन टर्म है यहाँ पे समझने का, जो हम आगे के बहुत सारे सर्किटों में भी यूज करने वाले हैं, राइट। सो जब भी आप कहीं इस टाइप का सर्किट देखेंगे जहां पे दो ट्रांजिस्टर कलेक्टेड बाय द सेम बेस एंड ड्रिवन बाय वन ऑफ द कलेक्टर, देन दे फॉर्म अ करंट मिरर सर्किट जहां पे आपका इनपुट करंट आउटपुट करंट के इक्वल हो जाता है। अब दूसरी चीज जो सर्किट में एनालिसिस की जाती है वो क्या है, वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इनपुट करंट, जी हाँ, इनपुट करंट को कैलकुलेट कैसे करूं। सो इनपुट करंट को कैलकुलेट करने के लिए इस ग्राउंड से स्टार्ट करते हुए मैं अप टू दिस सप्लाई तक पहुंचूंगा बाय द ट्रांजिस्टर बेस, राइट। और ट्रांजिस्टर में कहां से हम क्रॉस करते हैं, बेस टू एमिटर। तो आप यहां से ग्राउंड से स्टार्ट कीजिए, ग्राउंड से आपने स्टार्ट किया, इनिशियल वोल्टेज जीरो, उसके बाद आपका ड्रॉप आएगा आई टू इंटू R2, उसके बाद मैं इस पॉइंट A पर, तो नोड A पर मैं ट्रांजिस्टर Q4 की तरफ नहीं जा सकता बिकॉज इसको क्रॉस करने के लिए मुझे यहां पे कलेक्टर टू एमिटर जाना पड़ेगा जो कि मुझे नहीं पता, राइट। सो मैं केवल बेस टू एमिटर जा सकता हूं बिकॉज बेस टू एमिटर आई नो दैट 0.7 वोल्ट होता है व्हेन द ट्रांजिस्टर इज कम्स फ्रॉम बेस टू एमिटर, राइट। सो हम इस नोड A के बाद जाएंगे कहां पे, आगे इस नोड पे आएंगे। अब इस नोड पे आने के बाद आपके पास दोनों पाथ अवेलेबल हैं, आइदर आप इस Q3 ट्रांजिस्टर की VB को क्रॉस करके आउटपुट यानी माइनस VE तक पहुंच जाइए, या इस IB4 वाले पाथ को फॉलो करके VB4 को क्रॉस करके तब यहां पहुंच जाइए। दोनों ही केस में केवल आपको क्या माइनस करना है, यहां पे माइनस करनी है एक VB वैल्यू, यानी कि सपोज मैं माइनस करता हूं VB3 देन माइनस माइनस ऑफ VE क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ VE इज इक्वल टू जीरो, तो दैट मींस यहां से I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी VEE माइनस VBE3 डिवाइडेड बाय R2, बाय दिस वी कैन सेट द वैल्यू ऑफ I2 या वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2। तो पहले हम यहां से I2 को कैलकुलेट करते हैं एंड द सेम I2 विल बी ट्रांसफर टू योर आउटपुट साइड, दैट इज IC3, राइट। और I2 को सेट कौन करेगा, I2 को सेट करने के लिए आपका रोल
प्ले करेगा, दैट इज आर टू. तो आर टू की वैल्यू को वेरी करके आप एक कॉन्स्टेंट करंट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ करंट सोर्स ऑल्सो. और वो करंट सोर्स आपका एक तरह से करंट मिरर फॉर्म में इस सर्किट के थ्रू मिरर होके नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है. सो दैट्स वाई दिस सर्किट इज कॉल्ड अ करंट मिरर सर्किट. सो आई होप आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बना होगा ये सब सुनने के बाद, नहीं तो इसी को यहीं पे दोबारा से सुनिए, यू विल बेटर अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द करंट मिरर सर्किट. अब अगर मैं इस सर्किट की मॉडिफिकेशन की बात करूं, डिसएडवांटेज की बात करूं, तो यहां जो हमने रिलेशन पढ़ा I2 is equal to IC3 1 plus 2 by beta. So अगर beta बहुत लार्ज है तब तो यहां एक दूसरे के करंट इक्वल हो जाएंगे, बट इफ बीटा की वैल्यू लार्ज नहीं है, इफ बीटा इज स्मॉल, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका करंट एग्जैक्टली आउटपुट साइड पर नहीं पहुंचेगा, मतलब मिररिंग 100% नहीं मिलेगी, राइट. तो इस केस में हम इसका मॉडिफाइड वर्जन यूज करते हैं, एंड दैट मॉडिफाइड वर्जन इज बेसिकली कॉल्ड 3 ट्रांजिस्टर करंट सोर्स और मॉडिफाइड करंट मिरर. सो दिस इज द सर्किट ऑफ मॉडिफाइड करंट मिरर. आप देख सकते हो सर्किट के अंदर यहां पे Q1 Q2 ऑलरेडी सेम बेस ड्रिवन है, राइट. तो ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों एक करंट मिरर फॉर्म कर रहे हैं. दैट मींस जो इसका आउटपुट करंट है वो किसके इक्वल होगा, IC2 IC1 के इक्वल होगा बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, IB1 IB2 के इक्वल होगा, राइट, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल. VB1 जो यहां पे VB ड्रॉप होगी वो इसके VB के ड्रॉप के इक्वल होगी, राइट. बट यहां पे आप देखो तो आउट जो इनपुट करंट है, नाउ इट विल बी अनदर ट्रांजिस्टर ओवर हियर डॉट Q3. तो इसकी वजह से क्या रोल यहां पे आने वाला है, क्या यहां पे आउटपुट करंट की वैल्यू आएगी, वो मैथमेटिकली देखना है. बट what is the advantage of this circuit या what is the disadvantage, जो मैंने भी बोली कि in the simple current mirror circuit the output current equals to the input current when beta is large, but when if beta is small the output cannot be equal to IC3. In such cases this modified current mirror circuit is used. अब इस सर्किट को एनालिसिस करते हैं कि इसका आउटपुट करंट इनपुट करंट से कैसे रिलेट करता है. तो उसके लिए यहां पे मैंने नोड देखिए मार्क करें, दिस इज द नोड बी, जहां पे अगर मैं KCL काउंट करूं तो ये दिस इज द इनकमिंग करंट IE3 इज इक्वल टू हो जाएगा IB1 प्लस IB2. और मैं अभी बोल चुका हूं दोनों ट्रांजिस्टर सेम बेस ड्रिवन है, दैट मींस IB1 IB2 कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ IB1. एक और रिलेशन यहीं पे है कि दिस IE करंट बेसिकली क्या होती है, इट इज अ सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, यानी कि दिस IE3 इज ऑल्सो इक्वल टू IB3 प्लस IC3, राइट. अब अगर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो IC3 की वैल्यू क्या होती है, IC3 कैन बी रिटन एज IB3 प्लस IC3 कैन बी रिटन एज बीटा इनटू IB3, दैट इज बीटा IB. तो यहां से अगर मैं IB3 की वैल्यू को कॉल करूं तो IB3 की वैल्यू जाएगी IE3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा. एज पर दिस रिलेशन IB को आप कॉमन ले लो, 1 प्लस बीटा अपॉन में आ गया. और IE3 अल्टीमेटली क्या है, IE3 को हमने देखा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ IB1, यानी दिस कैन बी टर्न एज ट्वाइस ऑफ IB1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा. दिस इज द रिलेशन ऑफ IE IB3, राइट. तो ट्वाइस IB1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा. और अल्टीमेटली दिस IB1 कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ IC1. तो IB और IC का रिलेशन क्या हो जाएगा, जी हां, मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूं कि दिस 2 IB1 कैन बी रिटर्न एज 2 IC1 बाय बीटा, यानी IB स्टैंड्स फॉर IC बाय बीटा, राइट. तो दिस IB1 इज कन्वर्टेड इनटू IC1 बाय बीटा. सो अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने किया IB3, यानी कि जो IB3 की ये इनपुट वैल्यू है, इस वैल्यू को मैंने IC1 की टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया. ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज अब जब मैं यहां पे इस नोड ए पे KCL मार्क करूंगा तो नोड ए पे KCL मार्क करने पे क्या होगा, सम ऑफ इनकमिंग दैट इज आई रेफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग. तो आउटगोइंग कौन है, IC1 है और IB3 है, यानी कि जैसे इस नोड पे KCL अप्लाई करें व्हाट आई गेट, आई रेफरेंस इज इक्वल टू IC1 प्लस IB3. नाउ आई मुझे पता है IB3 को मैंने IC1 की टर्म्स में ले आया, तो इसे मैं उठा के यहां प्लेस कर दूंगा. यहां से IC1 आपका हो गया कॉमन, LCM ले लीजिए, बीटा इनटू 1 प्लस बीटा इधर भी जाएगा प्लस 2. इसे सॉल्व किया तो ये वैल्यू हो गई केवल सिंपल व्हाट, IC1 इज इक्वल टू IC2 इज इक्वल टू व्हाट, ये नीचे जाएगा ना आई रेफरेंस के अपॉन में. तो IC1 जो कि IC2 के इक्वल है बिकॉज दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल हैं, तो IC1 इज इक्वल टू IC2 इज बिकम बीटा इंटू 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस बीटा आई रेफरेंस. यानी कि ये रिलेशन है जहां पे आउटपुट करंट और इनपुट करंट के बीच में आ रहा है, व्हेन द बीटा इज स्मॉल तब हम इस वाली वैल्यू का यूज करते हैं टू ट्रांसफर द करंट टू अ पर्टिकुलर लोकेशन यूजिंग दिस मॉडिफाइड करंट मिरर. और अगर सेम काम में इसमें भी आपको बताऊं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई रेफरेंस को आप कैसे कैलकुलेट करोगे बाय अप्लाइंग KVL, तो KVL कैसे अप्लाई करते हैं, सप्लाई टू ग्राउंड.
राइट। और मैं ट्रांजिस्टर में केवल बेस टू एमिटर पास हो सकता हूं, ये ध्यान रखिएगा केवल अप्लाई करते वक्त। तो जब आप केवल अप्लाई करेंगे, स्टार्ट्स फ्रॉम दिस वीसीसी, हमने यहां पे लिखा दिस इज वीसीसी, उसके बाद हम इस पॉइंट पे आए। अब इस पॉइंट से मैं यहां नहीं जा सकता, बिकॉज अगर मैं इस वाले पाथ को फॉलो करता हूं तो मुझे यहां पे ट्रांजिस्टर Q3 पे यहां ऐसे क्रॉस होना पड़ेगा कलेक्टर टू एमिटर, एंड दिस आई कांट डू। मैं केवल कहां मूव कर सकता हूं, बेस टू एमिटर, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हमेशा बेस टू एमिटर पाथ को फॉलो कीजिए। तो वीसीसी से स्टार्ट करेंगे, आर के क्रॉस ड्रॉप आएगा, इस नोड पे पहुंचे, अब मैं ये पाथ फॉलो करूंगा, इस ट्रांजिस्टर के VB3 को क्रॉस करूंगा, फिर उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर नोड B पे आऊंगा। अब आप किसी भी ट्रांजिस्टर को फॉलो करते हुए इस माइनस वी सक्सेल अप्लाई तक पहुंच सकते हैं, बिकॉज दोनों ही केस में एक ही VB को क्रॉस करना है, देन वी गेट दिस माइनस ऑफ VE, राइट। सो मेरा क्या पाथ बना, वीसीसी से स्टार्ट किया, वीसीसी माइनस आई रेफरेंस इंटू आर माइनस, उसके बाद ये वाली ड्रॉप मान लीजिए तो ये हो गया VBE3, और उसके बाद ये वाली ड्रॉप मान लीजिए तो ये हो गया VBE2 माइनस माइनस ऑफ VE, लास्ट वोल्टेज क्या है, माइनस ऑफ VEE इज इक्वल टू 0। सो यहां से आप आई रेफरेंस की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई रेफरेंस कितना हो जाएगा, VCC माइनस VBE3 माइनस VBE2 और VBE1 दोनों KVL अप्लाई कर सकते हैं, प्लस VEE डिवाइडेड बाय R। सो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ आई रेफरेंस, और एक बार जब मुझे आई रेफरेंस मिल गया, सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आई कैन कैलकुलेट द आउटपुट करंट सप्लाइड बाय दिस करंट मॉडिफाइड करंट मिरर सर्किट, राइट। सो दिस इज द वे हाउ यू विल कैलकुलेट द करंट वैल्यूज इन द करंट मिरर सर्किट। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, आपने एक सिंपल करंट मिरर देखा है, मॉडिफाइड करंट मिरर देखा है, इस पर न्यूमेरिक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये तो हो गई सिंपल थ्योरी लर्निंग। अब न्यूमेरिकल केस की अगर बात करूं, तो यहां पे मैंने क्वेश्चन रखा है, डिजाइन अ करंट मिरर सर्किट टू गिव एन आउटपुट करंट ऑफ I आउट इज इक्वल टू 8 माइक्रो एम्पियर। आपको एक ऐसा करंट मिरर सर्किट बनाना है जो कि 8 माइक्रो एम्पियर का करंट आपको आउटपुट पे प्रोवाइड कर रहा है। तो व्हाट इज द आउटपुट वैल्यू ऑफ द करंट, दैट इज 8 माइक्रो एम्पियर। गिवन दैट VB दिया है 0.7 वोल्ट, बीटा दिया है 80 एंड VCC दिया है 20 वोल्ट। तो यहां पे सिंपल करंट मिरर सर्किट है, तो ये जो सर्किट मैं लेके आया हूं, दैट इज योर सिंपल करंट मिरर सर्किट, जहां पे दो ट्रांजिस्टर थे कनेक्टेड बाय द सेम बेस ड्रिवन बाय वन ऑफ द कलेक्टर, और जहां पे कलेक्टर पे स्टार्टिंग वोल्टेज क्या है, दिस इज VCC सप्लाई। उसके बाद इस R की वैल्यू मुझे नहीं पता, बट मुझे क्या पता है, मुझे पता है आउटपुट करंट कितना जनरेट करना है इसे, 8 माइक्रो एम्पियर। सो अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू दिस करंट मिरर सर्किट, हमने पढ़ा था कि इसमें रिलेशन क्या आता है। जी हाँ, इसमें रिलेशन आता है कि आउटपुट करंट आई रेफरेंस करंट में क्या रिलेशन था, कि आई रेफरेंस इज इक्वल टू आई आउट 1+2/बीटा। ये हमने ऑलरेडी ड्राइव किया है इन दिस लेक्चर इटसेल्फ, राइट। सो आई आउट मुझे पता है, दैट इज 8 माइक्रो एम्पियर, 8 × 10⁻⁶, 1+2/बीटा, बीटा 80 है, इसको सॉल्व कीजिए, वी गेट द वैल्यू ऑफ आई रेफरेंस, दैट इज 8.2 माइक्रो एम्पियर। ये मिल गया मुझे इनपुट साइड करंट। इनपुट साइड करंट मैंने क्यों कैलकुलेट किया, बिकॉज आई वॉन्ट टू सेट द वैल्यू ऑफ दिस आर, बिकॉज आई हैव टू डिजाइन, और ये चीज हम बहुत बार देख चुके हैं कि जब हमें कोई चीज डिजाइन करनी होती है, डैट मीन्स आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स, राइट। तो मुझे यहां पे इस आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू को सेट करना है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, अब सेम काम यहां पे आप एक केवीएल कंसिडर करेंगे, राइट। सो 20 माइनस दिस ड्रॉप आई रेफरेंस इंटू आर, उसके बाद हम किसी भी ट्रांजिस्टर को क्रॉस करेंगे, तो माइनस ऑफ VB हमें करना पड़ेगा is equal to 0. So what is the value of R become? R is equal to what? 20 minus VB जो कि 0.7 है, और divide by I reference. तो I reference already हम calculate कर चुके हैं, this is 8.2 micro ampere. Just put the value, हमें R की value calculate हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द वे, क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, बट आपको ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे ड्राइव किया है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते तो जस्ट ये सर्किट ड्रॉ कीजिए, वहीं की वहीं आप दो रिलेशन लगाइए कि नोड अप्लाई कर दीजिए, KCL अप्लाई कर दीजिए, आपका रिलेशन ड्राइव हो जाएगा। सो विद दिस मैं कहूंगा बेसिक करंट मिरर जो हम मुझे यहाँ पे बताना था, दैट नाउ यू नो कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक करंट मिरर यूजिंग BJT, राइट। और उसमें क्या प्रॉब्लम थी, बीटा की वैल्यू की वजह से हमने मॉडिफाइड BJT करंट मिरर की बात की है। नेक्स्ट, अब अगर मैं इसके बाद बात करूं, तो यहां तक करने के बाद आप लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज योर टू वेरिएंट्स ऑफ द करंट मिरर और है हमारे पास, वन इज कॉल्ड द विडलार करंट सोर्स एंड वन इज कॉल्ड द विल्सन करंट सोर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं बात करूंगा, दैट इज विडलार करंट सोर्स। बट नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले मैं फिर आपको एक बार रिकमेंड करूंगा कि इस लेक्चर को, करंट मिरर के कॉन्सेप्ट को, जो हम यहां पे KVL लगा रहे हैं, BJT रिलेशन यूज कर रहे हैं, IC, IB, IE सब रिलेशन क्या होते हैं, ये एक बार अपने पक्के कर लीजिएगा, तभी आपको आगे के लेक्चर समझना बहुत आसान लगने वाला है, राइट। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।